राजपूत करणी सेना के राजस्थान अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में दिन दहाड़े हत्या से पूरा राजपूत समाज आक्रोशित है। राजधानी जयपुर में प्रदेश और देश भर से राजपूत नेता पहुंच रहे हैं। जयपुर समेत पूरे राजस्थान में आज बंद का आह्वान किया गया है। सुखदेव गोगामेडी की हत्याकांड के बाद से राजस्थान में सियासी भूचाल मचा हुआ है। इस बीच पुलिस का भी एक्शन तेज हो गया है। राजस्थान के मकराना से पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हालांकि हिरासत में लिए गए संदिग्धों के बारे में पुलिस कुछ भी बताने से बच रही है। पुलिस दोनों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है और इस बीच गोगामेडी को गोली मारने वाले दोनों शूटर्स की पहचान कर ली गई है। गोगामेडी की हत्या के विरोध में आज राजस्थान बंद का ऐलान किया गया, जिसके चलते जगह जगह दुकानें बंद रही। वहीं बंद को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। तो जयपुर में गोगामेडी की हत्या के बाद सियासत भी काफी तेज हो गई है। बीजेपी इसे गहलोत सरकार के कार्यकाल में खराब कानून व्यवस्था से जोड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार बनने से पहले ही बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। में जो कांग्रेस शासन में कानून व्यवस्था लचर हुई थी, उसका ये परिणाम है। हमारी डिमांड है कि अपराधियों को तुरंत से तुरंत पुलिस पकड़े। हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, शहीद हुए हैं वो, हत्यारों के शिकार हुए हैं वो, पर ये ज़रूर कहना चाहते हैं आपकी आमद शुभ नहीं है राजस्थान की जनता के लिए। आपके आते ही अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो आपके शपथ का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं, शुरू कर दिया उन्होंने खेल। और इस पर जयपुर से हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता विनय पंत है। विनय, राजस्थान में सुखदेव की हत्या पर सियासत भी तेज हो गई है, तो वहीं जो पुलिस प्रशासन है वो भी इस पूरे मामले को पूरी तरह सुलझाने में जुटा हुआ है। आपसे समझना चाहेंगे वहां पर अभी ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है। जी स्वाति, देखिए मैं बताना चाहूँगा, मैं इस समय मौजूद हूँ मेट्रो मास हॉस्पिटल के पास, जहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेडी का पार्थिव शरीर रखा गया है। यहाँ बड़ी तादाद में जो भीड़ है वो लगातार आ रही है, और अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो आप देख सकते हैं जो सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स है उसको यहाँ पे राजस्थान पुलिस के साथ सिक्योरिटी में तैनात किया गया है। ये स्पेशल जो वाहन है आप वो देख सकते हैं, अगर भीड़ अनियंत्रित होती है तो उसको किस तरह से काबू किया जाए उसके लिए ये वाहन यहाँ पे लाया गया है। इस पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है जिसके जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है, और मैं मेरे सहयोगी विवेक से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि किस तरह से आगजनी भी यहाँ पे की गई है। पुलिस के सामने ही पुलिस के खिलाफ यहाँ पे जमकर नारेबाजी की जा रही थी, उसके बाद यहाँ चौराहे पर जो टायर हैं वो जलाए गए और रास्ता रोका गया था, लेकिन क्योंकि हॉस्पिटल की तरफ जाने वाला रास्ता है, काफ़ी एम्बुलेंस यहाँ से निकलती है, तो ऐसे में पुलिस ने यहाँ से रास्ता खुलवाया है। और मैं बताना चाहूँगा जो मेट्रोमास हॉस्पिटल है वहाँ पे इस समय हजारों की तादाद में जो लोग हैं राजपूत समाज के, करणी सेना से जुड़े हुए और 36 कौम की बात यहाँ पे की जा रही है, उनको समर्थन देते हुए दूसरे जिलों से भी जो लोग हैं बड़ी तादाद में आ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो भीड़ है वो लगातार मूवमेंट कर रही है और लगातार दूसरे जिलों से यहाँ पे लोगों का आने का सिलसिला जारी है। वहीं मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से कल दिन दहाड़े श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की उनके घर के अंदर घुसकर हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की थी, उसके बाद से ही ये जो बवाल है वो लगातार जारी है। दोनों ही जो शूटर्स हैं वो अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से काफ़ी दूर हैं, काफ़ी मशक्कत यहाँ पे पुलिस को करनी पड़ रही है। जो शूटर्स हैं दोनों उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, एक मकराना का तो वहीं एक हरियाणा का रहने वाला शूटर बताया जा रहा है, जिनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। हरियाणा से लगती हुई जितनी भी सीमा है राजस्थान की, उसमें जितने भी जिले आते हैं वहाँ विशेष कॉम्बिंग की जा रही है। विशेषकर जो ये पूरा हत्याकांड हुआ है इसकी जो जिम्मेदारी है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, जो गैंगस्टर रोहित गुदारा है और जो गोल्डी बरार है उनकी ओर से बकायदा इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई है। ना उसके बाद जो पुलिस है वो एक्टिव हुई है, तमाम जो गुर्गे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो राजस्थान के अंदर एक्टिव हैं, जयपुर के अंदर एक्टिव हैं, उनको खंगाला जा रहा है, उनकी भी धरपकड़ की जा रही है। अभी तक 70 से 80 संदिग्ध लोगों को पुलिस डिटेन कर चुकी है, उनसे पूछताछ कर रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो ये मामला है काफ़ी गंभीर है,
पर सबसे बड़ी बात यह है कि नई सरकार बनने वाली है, अभी सरकार ने शपथ भी नहीं ली है और उससे पहले ही इस तरह का एक बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ है, तो जिसके चलते जो राज्यपाल है राजस्थान की कलराज मिश्र, वो भी लगातार डीजीपी को, सीएस को और उन सभी लोगों को तलब कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं। वही मैं बताना चाहूंगा, जो राजस्थान के डीजीपी हैं उमेश मिश्रा, उनकी ओर से एसआईटी का गठन किया गया है। जो एडीजी क्राइम दिनेश एमएन है, उनके सुपरविजन में एसआईटी गठित की गई है और पहली बार ऐसा हुआ होगा शायद कि जो एसआईटी है उसके अंदर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स को भी शामिल किया गया है और ये वो ऑफिसर्स हैं जो गैंगस्टर आनंद पाल के। एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है विनय, जैसा कि बता रहे हैं। और गोगा मेडी की हत्या के पीछे जो सियासत भी हो रही है और जो एक्शन लेना है उसको गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि नए सरकार का गठन होना अभी वहां पर बाकी है और उससे पहले राज्य में इस तरीके की हिंसा हो रही है, तो पूरी तरह पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से संज्ञान में ले रहे हैं। धन्यवाद करेंगे विनय आपका इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।